नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खाना बनाओ पे। दोस्तों, कभी ना कभी हम सब ने भंडारा जरूर खाया होता है, और जब भंडारे की सब्जी का नाम आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज बिना किसी देरी करे हम स्टार्ट करते हैं भंडारे वाली सब्जी। दोस्तों, हमें बॉयल्ड आलू लिए हैं, हमने 3 से 4 आलू लेने हैं, हमें रफली चॉप्ड हमें टमाटर लेने हैं, 2 से 3 हमने टमाटर लिए हैं, 1.5 इंच अदरक लिए हैं, 2 करीबन हमने हरी मिर्च ली है, इसको हमें बारीक पीसना है, पेस्ट बनाना है, जीरा लेना है हमें 1 टेबल स्पून, हल्दी लेनी है 1/2 टेबल स्पून, पिसी मिर्च लेनी है 1/2 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार रखना है, धनिया पाउडर लेना है 2 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर लेना है 1 टेबल स्पून, एंड में 1 पिंच गरम मसाला डालना है, और धनिया में लेना है गार्निशिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ग्राइंडर में अपने टमाटर और जो मिर्च और जिंजर लिए हमने, उसको हम पीस लेंगे बारीक बारीक। प्यूरी बन गई है इसकी। चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं भंडारे वाले आलू बनाना। सब्जी बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पैन रखा है, पैन गर्म हो गया है, इसमें ऑयल डाल लेंगे। देन इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाली है, 2 टेबल स्पून के हमें धनिया पाउडर यूज करा है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च हमें कम रखनी है। दोस्तों, हमने टमाटर की प्यूरी में भी लाल मिर्च यूज करी है। दोस्तों, इसमें हम अपने टमाटर की प्यूरी डालते हैं। भून लेंगे तब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। दोस्तों, मसाला भून गया, तेल छोड़ने लगे इन सब्जी। अब इसमें हम डालेंगे आलू, डाल दिए आलू। दोस्तों, तोड़ के डालने, हमें काट के नहीं डालने, क्योंकि हमें कुछ कुछ आलू बड़े रखने हैं, कुछ आलू छोटे रखने हैं। अच्छी तरह से मसाला मिक्स कर लेंगे। तो एंड में 1 टेबल स्पून हमें आमचूर पाउडर यूज करना है। दोस्तों, इसमें करीबन 1 से 1.5 कप हम पानी डाल लेंगे। सब्जी दोस्तों ज्यादा पत्ती नहीं करनी है, हमें गाढ़ी रखनी है, पानी हिसाब से जरूर डालें। पानी डाल दिया हमने, सब्जी चला के करीबन हमें 5 से 10 मिनट इसको भूनने रखना है। सब्जी को 5 से 10 मिनट करीबन ढक के रखना है हमें। 205 मिनट हो चुके हैं, हो गई है लगभग, महक आने लगी सब्जी की। दोस्तों, बहुत अच्छी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलिए अब इसमें लास्ट में 1 से 2 चुटकी हमें गरम मसाला ऐड करना है।
एंड जो हमने धनिया काटा था वो डाल लेंगे हम। हमें ढक के रखना है। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। चलिए अब टाइम है इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों आपके भंडारे की सब्जी बनके तैयार है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और मैं इसे खाने जा रहा हूँ पराठों के साथ। आपने इसको किसके संग ट्राई करा ये मुझे जरूर बताएं। चलिए अपने दोस्त रोबिक को इजाजत दिए, अगली बार फिर किसी नई रेसिपी के हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।